नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमानी आयुर्वेदा में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगी वो हम सब जानते हैं कि हमें नींबू पानी पीना चाहिए, खासकर वो लोग जिनको अपना वेट लॉस करना होता है वो तो पीते ही हैं। बट क्या आपको पता है कि इसके और क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसको बनाने का सही तरीका क्या है, और ये अगर ज़्यादा मात्रा में ली जाए तो क्या नुकसान कर सकती है। तो इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूँगी। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। जैसा कि हम जानते हैं, नींबू पानी सुबह उठ के पीना बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी होती है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उनको ये बाहर निकालता है। अगर ये डिटॉक्सिफिकेशन करेगा तो ये क्या क्या लाभ कर सकता है? जैसे कि अगर बॉडी से टॉक्सिसिटी बाहर निकल जाएगी तो आप खुद सोचिए, जो हमारी स्किन है वो ग्लो करने लगेगी, क्योंकि जो स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जीज होती हैं, वो ज़्यादातर तभी होती हैं जब हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ये क्या करेगा, जब टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो हमारे जो स्किन की इन्फेक्शंस हैं, जैसे पिंपल्स आना, खुजली होना या चकत्ते पड़ जाना, ऐसे जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको ये अच्छा करेगा, तो स्किन ग्लो करने लगेगी। तो सबसे पहला अच्छा काम करता है कि डिटॉक्सिफिकेशन करने की वजह से ये स्किन ग्लो करती है। फिर दूसरा क्या है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, हमें भूख भी अच्छी लगेगी, हमारा पेट भी साफ होगा, तो हमें गैस भी नहीं बनेगी, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, टॉक्सिक केमिकल्स बाहर निकल जाएंगे, तो तीसरा इंपॉर्टेंट ये काम करता है कि जो जॉइंट्स में स्वेलिंग होती हैं उसको ये ठीक करता है, क्योंकि टॉक्सिक केमिकल्स हमारे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और हमें दिक्कत करते हैं, स्वेलिंग्स वगैरह कर सकते हैं, पेन कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, तो ये वहाँ पे पेन और स्वेलिंग को कम करता है। तो जिसको भी घुटने की बीमारी है या दर्द होता है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। चौथा कि ये किडनी के जो फंक्शंस होते हैं, जो किडनी है उसके प्रॉपर फंक्शन में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन से ये बहुत, ये जो मैंने अभी चार बताए हैं पॉइंट्स, इसमें तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ये फिर हमने, ये एक आपको पता है नींबू है तो ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, मतलब कि इसमें बहुत अच्छा विटामिन सी आपको मिल सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया है विटामिन सी के ऊपर, जिसमें ये सब कुछ इसकी संपूर्ण जानकारी है कि किसको लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, और अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो विटामिन सी जो है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो विटामिन सी क्या करता है आपको पता है, हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें इन्फेक्शंस भी उतनी जल्दी नहीं होंगे, हमें इन्फेक्शन से भी बचाएगा। तो ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। फिर क्या करता है, ये हमारी नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर हमारी नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा जो ब्रेन है वो अच्छी तरह से काम करेगा, हमारे जो नर्वाइन डिसऑर्डर्स हैं, जो नर्व्स रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी अच्छा काम करेगा। फिर ये है कि ये हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है, जैसे कि मैं वीडियो में भी बता चुकी हूँ विटामिन सी वाले में, कि क्या करता है, ये हमारे जो आयरन होता है उसको एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। अगर ये एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेगा तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसका स्तर भी बढ़ेगा, तो जिसको खून की कमी है तो ये उसको भी बढ़ाएगा। तो ये कुछ कारण हैं। फिर ये है कि हम सब जानते हैं कि ये वेट लॉस करने में मदद करता है, बट खाली नींबू का पानी पीने से सुबह उठ के वेट लॉस नहीं होता है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, हेल्दी डाइट प्लान करना है, उसके साथ ये हेल्प करता है। बट क्यों हेल्प करता है आपको पता है, क्योंकि ये जो हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उसके प्रॉपर फंक्शन में ये हेल्प करता है। अगर ये हमारे जो ग्लैंड्स हैं ये अच्छी तरह से काम करेंगे, क्योंकि ये ही हमारे सर्वे सर्वा हैं, ये ही हमारी जो बॉडी है उसी को रेगुलेट करते हैं, तो अगर हमारे ये जो ग्लैंड्स हैं ये अच्छी तरह से फंक्शन करेंगे तो जब हमारा जो वेट है वो भी कम होगा। ये नहीं कि नींबू जो है हमारे जो बॉडी फैट है वो उसको निकाल के बाहर फेंक देता है, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, हमारे जो ग्लैंड्स हैं उसको प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करता है, तो जिसकी वजह से वेट रिड्यूस होता है। तो सुबह उठ के ये नींबू का पानी पीना चाहिए। अब ये है कि इसको कैसे बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं
मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है कि नींबू को निचोड़ा, गुनगुना पानी लिया और फिर सुबह खाली पेट पीते हैं। बट इसको बनाने का एक सही तरीका है कि आप पहले एक पैन में पानी को उबालिए, फिर नींबू को स्लाइसेस में कट करिए, फिर उसमें डाल दीजिए, फिर अच्छी तरह से इसको 4-5 मिनट तक खौलाइए। फिर उसके बाद जब ये खौल जाए, इसमें आप दालचीनी पाउडर या फिर शहद या फिर आप जीरा पाउडर भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर उसके बाद इसको गुनगुना छान के फिर गुनगुना पी लीजिए। तो ये इसको बनाने का सही तरीका है, यानी कि आपने नींबू निचोड़ा और उसको पी लिया खाली पेट। फिर ये है कि आप ये भी देखिए कि अगर किसी को एसिडिटी की दिक्कत होती है, कि कुछ पेशेंट्स होते हैं बोलते हैं कि हम नींबू पानी पीते हैं और हमको एसिडिटी की दिक्कत होती है, तो आप बाद में भी इसको खाने के बाद ले सकते हैं, उसके बाद भी ये इफ़ेक्ट दिखाता है। बट खाली पेट अगर आपको कोई गैस्ट्रिक इश्यू नहीं है तो आप इसको खाली पेट ले सकते हैं। फिर ये है कि हम जो हैं जब ये नींबू पानी लें तो इसको ठंडा ना लें। लोग होते हैं कि ठंडे आइस वाटर में नींबू का रस निकाल के, जूस निकाल के फिर पीते हैं, ये इसका सही तरीका नहीं है। ठंडे पानी में नहीं लेना है, या तो जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उसमें लीजिए, या फिर आप जो मैंने अभी प्रिपरेशन बताई है आप गुनगुना लीजिए, ठंडे पानी से नहीं लीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम नहीं जानते थे कि नींबू पानी में वेट लॉस करने के अलावा भी और क्या क्या गुण हैं, तो यही मैंने अभी बताने की कोशिश की है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरा सब्सक्राइब करिए और हमारा मार्गदर्शन बढ़ाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद।